ये तरीका सही नहीं है भाई, आप लोगों को इतना एक्सेस करेंगे तो सबसे दिया जाए। आप लोग इतना ना मंच पे खेला कर रहे हो यार, आप लोग किस तरह से आपने क्या डिसिप्लिन रखा, आपने डिसिप्लिन रखा क्या ग्राउंड में, हम लोग तो रहे हैं या फिर वो जो आए अपने दिलों को थाम कर रखिए। वैसे प्रेम से बोलिए सच्ची दरबार की देखिए यहाँ पवन सिंह से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए किस तरह से उनके जो चाहने वाले हैं भीड़ लगाए हुए हैं, और यहाँ बॉडीगार्ड बार बार कोशिश करते हैं सबको हटाने के लिए, लेकिन फिर से वो लोग आ जाते हैं। प्रोग्राम का एक शो है, अभी शो करने के लिए जाएंगे, कुछ ही देर में जो है वो रूम से अभी निकलेंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पवन सिंह अभी रूम में बैठे हुए हैं, उनका एक और शो है, अभी वो शो करने के लिए निकलेंगे। होंडा कंपनी, जहाँ होंडा शाइन का बाइक जो है आज लॉन्च हुआ है, उसी के प्रमोशन में। आप लोग किस तरह से आपने क्या डिसिप्लिन रखा, आपने डिसिप्लिन रखा क्या ग्राउंड में, हम लोग तो रहे हैं या फिर वो जो आए थे वो, आप सारे आप अभी भी से सवाल नहीं, आपके पास इल्म नहीं है, आपके पास इल्म नहीं है, 100 लोग को लेके आप राजी से नहीं, हम 100 लोग के आपके पास राजी से नहीं, बताइए ना। ठीक है, वो लोग सुनिए ना, वो लोग पहले से टिकट लेके पास लेके बैठे हुए थे, एक महीने की मेहनत को आप लोगों ने डाल दी, आपकी भावना पर बात है, वो लोग पहले से पास लेके साइड में बैठे हुए थे, जैसे मेहनत को पानी में फेंक, अरे उन लोगों को बोलिए ना, जैसे पवन सिंह आए एंट्री किए वो लोग उधर से टूट पड़े, हम लोग तो वहाँ बैठे हुए थे साइड में, एक नंबर नहीं, जो हुआ है वही वो बता रहे हैं, वो ऑन कैमरा करके वीडियो बनवा रहे हैं। हाँ कैमरा ऑन कीजिए, हम दिखाएंगे बताएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ किस तरह से ये लोग परेशान है, बात सही है, देखिए हम भी जो है समर्थन करेंगे, क्योंकि ये लोग इतना पैसा लगा के जो है प्रोग्राम करवा रहे हैं, कार्यक्रम करवा रहे हैं, पावर स्टार पवन सिंह को बुलाए हैं, लेकिन इन लोगों का कार्यक्रम जो है किस तरह से रद्द हो रहा है देख रहे हैं, मतलब लोग कैसे परेशान कर रहे हैं कार्यक्रम। देखिए अब जो है यहाँ से पवन सिंह जी आ जाएंगे शो करने के लिए। देखिए सबसे बड़ी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, किस तरह से दोनों तरफ जो है बॉडीगार्ड जो है बॉन्ड बनाए हुए हैं, और क्योंकि फोटो लेने के लिए काफी लोग तंग कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं, मजबूरन ये लोग भी कभी कभी जो है गुस्सा जाते हैं या फिर किसी को मारने पीटने लगते हैं, वजह यही है और कुछ नहीं। देखिए किस तरह से बार बार आप देख रहे होंगे कैमरा में कि परेशान कर देते हैं बार बार समझाने के बाद भी, और देखिए सबसे बड़ी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए पवन सिंह जी आ रहे हैं, देखिए पवन सिंह जी आ रहे हैं स्टेज पे जाने के लिए, जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी देखिए सबसे बड़ी खबर पवन सिंह जी फिर से देते हैं शो करने के लिए अनुपम जावड़ के साथ। अरे भैया प्राइवेट शो होगा ना वहाँ पे करिएगा शो, ये किसी होंडा परिवार का शो है, क्या रिकॉर्डिंग लग रहा है, ये कंपनी का शो है, ये इस चीज को आप लोग मेंटेन करिए, और फ्रेंड्स हुए भैया जब होगा प्राइवेट शो चाहे वहाँ करिएगा रिकॉर्डिंग, आप लोग अभी बैठ के एंजॉय करिए, बैठिए प्लीज बैठिए, ये तरीका सही नहीं है भाई, आप लोग को इतना एक्सेप्ट करेंगे तो सबसे दिया जाए, होंडा ने इतना बढ़िया इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, बैठ जाइए। इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, इतना बड़ा काम हुआ है, बताइए आप लोग नहीं मानिएगा ना, आप भाई का बात बोलू, आप लोग इतना ना मंच पे खेला कर रहे हो यार, थोड़ा मजाक है भाई यार,
उसी को कहते हैं पवन सिंह। पवन सिंह के आगे कोई नहीं। जो प्रोग्राम था होंडा कंपनी का, जो प्रचार करने के लिए आए थे, प्रमोशन करने के लिए आए थे, वो प्रोग्राम जो है अब खत्म हो गया। पवन जी यहाँ से निकलेंगे, उनके साथ अनुपमा यादव जी थी। जी हाँ, उन दोनों का आप लोगों ने स्टोरेज तो देखा, क्या कुछ हुआ वो सभी चीज मैंने आप लोगों को दिखाया। अभी देखिए उनका जो है बाहर जो है गाड़ी जो है रेडी है, बाहर गाड़ी रेडी है, अभी वो यहाँ से निकलेंगे।